सो गाइस, ये एक फैमिली है और इन लोगों में ना, इनका जो पीछे बेटा खड़ा है ना, इसने अभी एक गाड़ी के साथ स्कैम कर दिया। वो भी अपनी फरारी जो इसने नई खरीदी थी, इसके पापा ने इसको दिलाई थी, उस वाली गाड़ी को ना किसी ने जला दिया। इसने गैराज में खड़ी करी थी और उसने किसी ने बंदे ने आके इसकी पूरी की पूरी गाड़ी जला दी है। और अभी फिलहाल पता क्या कह रहे हैं, इसका पापा मेरे को कह रहा है कि इस वाली गाड़ी को ना तुम अगर ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें 3.5 मिलियन डॉलर दे दूंगा इस वाली गाड़ी को जस्ट ठीक करने के लिए, क्योंकि इस वाली गाड़ी का ओरिजिनल प्राइस 30 मिलियन डॉलर है गाइस। बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी है वो। अभी काम करते हैं, जरा सा जो मैं ये वाला ट्रक लेकर आया हूँ, बाय द वे ये मेरा ट्रक है, अब इसको ना पीछे खड़ा कर देता हूँ इन लोगों की गाड़ी के। ये लोगों से बोल दूंगा कि मेरी जो गाड़ी है ना, ये वाला ट्रक, ये लोग लेकर आए, मैं इनकी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ बेनीज के पास, और बेनीज ही इस गाड़ी को रिपेयर कर सकता है, और कोई भी शहर में है नहीं जो ऐसा रिपेयर कर दे। बाय द वे यार, ये मेरे को निशान है ना, ये बहुत अच्छी लगती है, उसकी लिवरी देखो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है वाली गाड़ी। चलो गाइस, अब एक काम करते हैं, हम लेके चलते हैं। और ये लोग, इसकी सिक्योरिटी काफी अच्छी है बाय द वे, बहुत अमीर आदमी है। और इसकी बगल में देखो बोट खड़ी है, वो भी इतनी लग्जरी बोट है, काफी ज्यादा लग्जरी है गाइस। चलो अब हम इस ट्रक को लेके निकलते हैं सीधा बेनीज के पास। और बाय द वे, बेनीज हमारा सबसे मस्त बंदा है, इस चीज को रिपेयर करने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। बट हाँ, मेरे को चार्ज जरूर करेगा वो कुछ पैसे, क्योंकि उसके भी पैसे लगते हैं हर एक चीज को ठीक करने के लिए गाइस। तो मैं उसका चार्ज डेफिनेटली लूंगा, जैसे मेरे को वो 1 मिलियन डॉलर करेगा तो मैं इनको 6 मिलियन डॉलर तक बोलूंगा। क्योंकि अभी ना मैं इस गाड़ी को रिपेयर तो करा दूंगा, बट ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा दिखने में मस्त होने वाली है, बहुत ही मस्त होने वाली है। अब देखते हैं गाइस ये कितने पैसे बोलता है, और वो मेरे को बोलने के बाद मैं इनसे कितने पैसे ले पाता हूँ, अब आगे देखा जाएगा। और गाइस इसी वाली वीडियो में मेरे को ना ये भी एक ग्रैंड विला भी खरीदना है, उसकी बोली अभी चल रही है, सभी के सभी वहां पे पहुंच चुके होंगे, बट मेरे को अभी फटाफट से ना हल्के से पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरे पैसे हल्के से कम पड़ रहे हैं। तो मैं इनके पास आ गया था ये वाला काम करने, और ये वाला काम करते के साथ ही मेरे पास पूरे कंप्लीट पैसे हो जाएंगे, तो मैं जल्दी से वो घर खरीद भी पाऊंगा। एक काम करते हैं, जल्दी से बेनीस को बुला लेता हूँ मैं बाहर, यहाँ पे ट्रक खड़ा कर देता हूँ बाहर की साइड पे, और बेनीस को बाहर पे बुला लेता हूँ। और गाइस ये बेनीस का शोरूम है, ये जो सामने देख रहे हो तुम, बेनीस का शोरूम है रेड कलर का। तो अभी बेनीस को मैंने बुला लिया बाहर की तरफ। और गाइस पता है क्या सीन है, इसकी टी शर्ट देखो भाई, इसने खुद के नाम की एक टी शर्ट भी बनवा ली, वाह भाई साहब वाह। चलो गाइस, तो मैं इसे बोल दिया मैंने बेनीस को बाय द वे कि ये फरारी है मेरी, इसे वो ठीक कर दे। तो बेनीस फिलहाल के लिए अंदर गाड़ी ले जा चुका है, देख रहे हो टायर के निशान यहाँ पे भी पड़ गए। अभी मेरे को इसने बोला है कि तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है, या तो तुम दोनों ये वाली गाड़ी ले जाओ, या फिर मेरी पीछे की तरफ एक गाड़ी खड़ी थी वो ले जाओ। तो इसकी ये सिलेरियो की गाड़ी खड़ी है, वैसे इतनी बड़े बड़े रिम है, और ये इसी की गाड़ी थी गाइस। चलो अभी इसे लेके चलते हैं फटाफट से। और इसके टायर भाई जबरदस्त गाड़ी है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। जब तक इसने ये गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं, तो गाइस मैं अभी फटाफट से अपने नए वाले घर में जा रहा हूँ, क्योंकि पुराने वाले घर में ना वो माफिया लोग मेरे को ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मैं उस पुराने वाले घर में जा नहीं सकता। और अभी जो मैंने नया वाला घर लिया था, तुम्हें पता होगा गाइस, वो फ्लैट के साइड में था, तो अभी मेरे को उसी घर पे जाना है फटाफट से, क्योंकि उसी के अंदर ना मैंने इस टाइम अपना सारा का सारा सामान शिफ्ट कर दिया है, और मेरे घर के राउंड पे राउंड लग रहे हैं इस टाइम उस माफिया के थ्रू। और उस माफिया को तो जल्दी बताएंगे गाइस, डेफिनेटली उसकी भी वीडियो आ जाएगी। और गाइस जिसने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दो सारे के सारे मेरे भाइयों। मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ, ये वाली गाड़ी को यहाँ खड़ी करते हैं और हम अंदर चलते हैं ऊपर की तरफ। और जैसे ऊपर जाएंगे ना, उसके बाद गाइस अंदर की ही तरफ मेरे पास सारा का सारा पैसा मैंने इस टाइम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और मेरे पास ज्यादा पैसा है नहीं गाइस, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पैसों के लिए, या तो मुझे बैंक रॉबरी करनी पड़ेगी। आप लोग बताना मेरे को कमेंट में कि मैं क्या करूं नेक्स्ट। तो गाइस अभी फटाफट से काम करते हैं, हम घर में आ गए हैं। तो एक मिनट जरा, यहाँ का गेट ना खुला हुआ है हल्का सा, यहाँ पे कोई आया तो नहीं है क्या? मेरा कंप्यूटर कैसे ऑन है? एक सेकंड, मेरे पास कंप्यूटर है और लेकिन ये ऑन क्यों है? यहाँ पे रेड लाइट दिख रही है, ये गाइस कंप्यूटर ऑन किया किसी ने जस्ट अभी अभी, मेरे को पता नहीं। ये आवाज किधर से आ रही है? ओए अरे अरे अरे, ये आवाज किधर से आ रही है? कोई है लग रहा है गाइस मेरे को अपने कमरे में। रुकना जरा, ऊपर की तरफ देख के आऊं, वैसे ऊपर कोई है क्या? कोई है, मे बी शायद से कोई हो सकता है। इस तरफ कोई नहीं है, ये मेरा बेडरूम है, इस तरफ भी कोई नहीं है गाइस। मेरे पास दो ही रूम है इस वाले फ्लैट के अंदर, ये बाथरूम है, इसके अंदर भी कोई ही नहीं है। अरे शायद से कुछ गिर गया होगा, कोई चक्कर नहीं, लेट्स गो, इस गेट को बंद करते हैं। और गाइस मेरे को ना पता है क्या सीन है, यहाँ पे से एक बैग उठाना है सबसे पहले आगे से, और यहाँ पे ना मेरे पास देखो इतना पैसा पड़ा है, टोटल मेरे पास इतना ही पैसा पड़ा है गाइस। तुम्हें पता है पिछली बहुत सारी वीडियोस में मेरे पास कितना सारा पैसा पड़ा था इस टाइम, बट अब मेरे पास धीरे धीरे करके पैसा खत्म हो रहा है। मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मेरे पास वापस थोड़ा सा पैसा आ जाए, अभी पैसे की बहुत ही ज्यादा वैल्यू करनी पड़ेगी गाइस। अभी पता है क्या सीन हो गया, मेरे को ना अब जल्दी से बैग लेना है, और एक जो वहां पे बंडल रखा था उसको उठा लिया मैंने फटाफट से। अब लेके चलते हैं इस वाले बैग के अंदर, और मेरे को सीधा बेनीस के पास पहुंचना है। बेनीस का कॉल आ गया है मेरे को, उसने गाड़ी लगभग रिपेयर कर दिया, बस वो साफ कर रहा है गाड़ी को, क्लियर कर रहा है।
तो अभी हम उसके पास जा रहे हैं और उसने कहा है इस बार तू गाड़ी देख के हैरान हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मस्त बनाई है उसने। तो मैं अभी जल्दी से देखता हूँ कि कैसी गाड़ी बनाई है उसने। फटाफट से अभी गाड़ी जोर की भगाऊंगा, इतनी भी जोर की नहीं कि गाड़ी ठुक जाए। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से ना हम सीधा बेनिस के पास चलते हैं, और ये वाली गाड़ी ना गाइस हल्की सी भी ठुकी तो इस वाली गाड़ी का थोड़ा खर्चा ज्यादा है, अभी मेरे को घर भी लेना है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा गाड़ी को आराम से चलाऊंगा सेफ्टी के साथ। और ये वाली गाड़ी वैसे भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। और गाइस सीधा यहाँ से ना बेनिस का घर, बेनिस ना मेरे घर से काफी ज्यादा नजदीक रहता है, हमेशा से उसका गैराज मेरे से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। चलो अभी यहाँ से जल्दी चलते हैं सिलेरियो की गाड़ी लेके, और ये गाड़ी ना गाइस वीआईपी गाड़ियों में से आती है। अब यहाँ पे सीधा मैं आ चुका हूँ बेनिस के शोरूम पे, शोरूम नहीं गैराज कह सकते। और गाइस मैं फटाफट से ना इसे पीछे की साइड ही लगा देता हूँ, क्योंकि उसने बोला था कि लाएगा ना तो वापस उधर ही लगा दी। अरे भाई साहब देख रहे हो पीछे से कितनी बची है, सिर्फ हल्की सी बची है, स्क्रैच आ जाता नहीं तो मैं पिटता बहुत उससे। मैं गाड़ी लेकर आ चुका हूँ गाइस, अब बेनिस के शोरूम के अंदर चलते हैं, लेट्स गो। चलो गाइस तो मैं बेनिस के शोरूम के अंदर आ गया हूँ। बाय द वे ये देखो इसने मेरी फरारी को क्या ही बना दिया है। ओ भाई मैं इसे क्या कबाड़ा देकर गया था फरारी के नाम पे, और इसने देखो गाइज क्या ही गाड़ी बनाई है फरारी की। बाय द वे जिस बंदे की गाड़ी थी ना उस बंदे ने इसे रेड कलर का कर रखा था, बट लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा यूनिक कलर देने के लिए ये वाला कलर कराया है, ये थोड़ा सा नियॉन कलर कह सकते हो उसे। भाई बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है यार, फरारी इतनी ज्यादा प्यारी दिख सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। एक काम करते हैं गाइस, इसका जो पैसा है ना इसको ऊपर की तरफ टेबल है उस पर रख के आ जाते हैं, इसे मेरे पे विश्वास है कि वो पैसे काउंट नहीं करता, तो जल्दी से इसका पैसा टेबल पे रख के आ जाते हैं, इसी वाले टेबल पे। लेट्स गो मैं यहाँ पे इसका पैसा रख देता हूँ और अपनी गाड़ी लेके चलते हैं बाहर की तरफ। तो मैंने यहाँ पे पैसा रख दिया, वैसे अब निकलते हैं यहाँ से सीधा बाहर की तरफ। और पता है क्या सीन है, मैं जब ये वाली गाड़ी उस बंदे को देने जाऊंगा ना जिसकी ये गाड़ी है, उसके पास से जितना पैसा लेकर आऊंगा ना गाइस उसके बाद डायरेक्ट मैं सीधा जाऊंगा अपना वो विला खरीदने, क्योंकि वहां पे ना बोली स्टार्ट हो चुकी है। मेरे को अपने दोस्त का कॉल आया था, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा दोस्त उधर कौन है, तो अभी जल्दी से पहुंचेंगे। और गाइस जिसने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दो सारे के सारे। अभी बेनिस को बोलता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ फिलहाल के लिए, गेट खोलते बाहर आके। तो चलो गाइस यहाँ से गेट खोलने के लिए वो आएगा, और तब तक हम यहाँ पे बाहर आके खड़े होते हैं जल्दी से। गाड़ी वैसे बहुत ही ज्यादा मस्त है यार, दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लगी मेरे को ये। चलो बेनिस गेट खोल दे, तो बेनिस ने गेट खोल दिया गाइस। बाय द वे एक चीज दिखाऊं तुम्हें, यहाँ पे देख रहे नीचे जो लाइटिंग लगी है ना भाई बहुत अच्छी लगी मेरे को, और ये टायर स्मोक तो भाई साहब जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गाड़ी बनाई है। आप बताना गाइस कमेंट में कि कैसी गाड़ी लगी आपको फरारी। बाय द वे वैसे पता है क्या सीन है, अभी ना मेरे को एक बंदे ने बोला तो था कि भाई आप ना एक फरारी आप भी खरीद लो, मैं भी सोच रहा हूँ एक फरारी खरीद लूं, बट मेरे पास अभी फिलहाल के लिए पैसे नहीं है, मैं बैंक रॉबरी करूंगा देन मेरे पास ऐसे पैसे मिल जाएंगे थोड़े बहुत, तब मैं कर सकता हूँ फरारी के बारे में। बट एक काम करते हैं गाइस जल्दी से ना इस गाड़ी को ना देकर आते हैं जिस बंदे की गाड़ी है वैसे, और वो ना इस टाइम होटल में रुका पड़ा है, उसी जगह पर नहीं है, पुरानी वाली जगह पर नहीं है, इस टाइम वो होटल में रुका है, उसकी शिप वहीं पर खड़ी है लेकिन अभी वो होटल में है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए होटल में जा रहा हूँ, और यहाँ पे गाइस मैं आ चुका हूँ, और ये बंदा ना यहीं पे खड़ा है अपनी सिक्योरिटी लेके। ओके गाइस तो मैं यहाँ पे इसकी गाड़ी खड़ी करता हूँ। बाय द वे ये पिंक कलर की जो लाइटिंग लगी है ना नीचे भाई कसम से बहुत ही ज्यादा मस्त लगी मेरे को। एक काम करते हैं गाइस जल्दी से ना अब इसको बोल देते हैं कि ये वाली गाड़ी देख ले, और यार कितनी ही ज्यादा मस्त लग रही है, कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, क्या बोलूं मैं बस। तो गाइस ये बंदा ना इस टाइम गाड़ी को देखने के लिए अपने बेटे को भेजने वाला है। चल अब ये इसका बेटा ड्राइव करेगा, एक बार चेक इट आउट करते हैं कि इसका बेटा ड्राइव भी कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि ये ना इसके गियर मैंने थोड़े से मुश्किल कर दिए हैं, किसी छोटे बच्चों के लिए आसान नहीं है, तो वैसे मैंने इसके गियर मेरे को मालूम था ये गाड़ी नहीं चला पाएगा। चलो एक काम करते हैं इसे जल्दी से बाहर उतारता हूँ जाके, ये बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चला पाएगा। हैंडल घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, एक बार नजदीक जाके देखो जरा उस तरफ से, रुको हैंडल तो घुमा रहा है लेकिन इसको गियर मारने नहीं आते इस गाड़ी के अंदर। चलो कोई नहीं है, इसको मैं गाड़ी से उतारता हूँ और उसके बाद इसके पापा को बुलाता हूँ जल्दी से, तो इसके पापा चलाएंगे निकल यहाँ से। चल तो गाइस इसके पापा को मैंने बुला लिया और वो ड्राइव करने वाले हैं यहाँ से, और यहाँ से गाइस वो ड्राइव करके ले तो गए हैं। गाड़ी की आवाज़ देखो कितनी मस्त आ रही है, वो देख रहे हो गाइस सामने से की तरफ से गाड़ी निकल गया, और इन्होंने मेरे को 6.5 मिलियन डॉलर दे दिए हैं उस गाड़ी के। वैसे 3 मिलियन में बात हुई थी, गाड़ी का कलर काफी ज्यादा महंगा हुआ था इसलिए मैंने इसे 6.5 मिलियन डॉलर लिए हैं। तो अभी गाइस चलते हैं रैम लेके अपनी, ये वाली गाड़ी भाई बहुत ज्यादा महंगी है, मेरी रैम भी काफी ज्यादा महंगी है, बट लेकिन यार थोड़ी सी ना स्पीड कम है इसकी, बाकी तो जबरदस्त कार है ये वाली भी। चलो गाइस अब यहाँ से ना निकलते हैं जल्दी से हमारे शोरूम पे क्या मतलब वो पुराने वाले विला पे चलते हैं जहाँ पे हम वो खरीदने वाले हैं। तो गाइस ये घर ना वैसे नॉर्मली बताऊं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और आज हम पहली बार इसे खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमने सारे लोगों को देखा है ये घर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, बट आज हम इसे खरीद लेंगे, और मैं कभी बेचने वाला भी नहीं हूँ, देखते हैं अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो तब देखा जाएगा, बट लेकिन अभी तो मैं इसे खरीद के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पैसे ज्यादा लेकर आया हूँ ऑलरेडी इन लोगों से, तो काफी ज्यादा पैसे लेकर आया हूँ जितने लोग आए हैं ना अभी यहाँ पे,
तो गाइज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सीधा अपनी गाड़ी लेकर रैम, और यहाँ से उतरते हैं। ओके गाइज, तो ये लोग के जो मालिक है ना, जो इस वाले विला के मालिक हैं, वो लोग भी सामने की तरफ खड़े हुए हैं, और यहाँ पे जितने खरीदने वाले हैं ये सब इस तरफ खड़े हुए हैं। तो गाड़ी, घर के कागज भी बाय द वे इसने अपने टेबल पे रखे हुए हैं। यहाँ टेबल पे गाइज घर के कागज भी रखे हुए हैं। एक काम करते हैं, चलो इनसे बोलते हैं कि बोली स्टार्ट करें, और उसके बाद हम यहाँ पे बोली लगाने की ट्राई करेंगे कि हम इनसे जीत पाए और एक गाड़ी, ये घर पूरा ले जाएं हम। तो गाइज मैंने बोली जीत लिया बाय द वे, और यहाँ पर सभी के सभी परेशान हो गए, लेकिन ये बंदा क्लैप कर रहा है। और मैंने इसको सारा का सारा पैसा जितना मेरे बैग में था मैंने वो निकाल के दे दिया, और मैंने इसके घर के कागज भी ले लिए हैं। अब ये घर गाइज मेरा हो चुका है, बट एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही है, ये लोग तो यहाँ से निकल ही जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है वैसे। और अभी के लिए ना गाइस ये देखो, इन लोगों ने भी पैसा रखा था, बट लेकिन इनके पास उतने ज्यादा पैसे थे नहीं। बाय द वे ये तीनों तो एकदम ही ज्यादा बहुत ही कम थे, मतलब $20,000 में सोच रहे थे कि घर खरीद लेंगे। मैंने $6.5 मिलियन दिए, मेरे पास फिर भी $1 मिलियन बच गए हैं। चलो मैं टोटल $7 मिलियन लेकर आया था गाइस, क्योंकि मेरे को कम ना पड़े इसलिए। अब एक काम करते हैं, फटाफट से हम जा रहे हैं सीधा नीचे की तरफ। और गाइस मैं एक चीज पूछ रहा था कि यहाँ पर ना ये घास देख रहे हो, इस जगह पर मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा बैरियर बना के सारे जानवर यहाँ पे लाके रख दूं क्या, आप लोग मेरे को बताना सभी के सभी कमेंट में। वैसे मेरे को एक बंदे ने बोला तो जरूर था कमेंट में कि भाई आप ब्लैक पैंथर लेने की कोशिश करो, बट यार ब्लैक पैंथर बहुत मुश्किल होता है ढूंढना, तो अभी ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा।